वेलकम टू स्टार्स एकेडमी गुलाम कैंपस लाहौर। नाइन क्लास कैसे हैं आप लोगों के? जैसे बताया हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म मतलब उसकी एग्जाम पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स का जिंदगी में अहम किरदार क्या करते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स बहुत तरीके की जगह में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम देख लें तो ये क्या होते हैं, ये अगर हम बात करें तो ये बायोकेमिकल तामलात में बतौर कैटलिस्ट की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। बायोकेमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि बॉडी में होते हैं। जैसे हम लोग अगर खुराक खाते हैं तो एनर्जी हम लोग हासिल करते हैं खुराक के जरिए, विटामिन के जरिए, हम फ्रूट्स के जरिए, ये सारी चीज़ें हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन इनके खाने से हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन का बॉडी में होना और कैटलिस्ट की सूरत में होना, तो ये हमारे कहलाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के साथ अगर हम बात करें तो एंजाइम मुख्तलिफ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को तेज करता है। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में। कैटाबॉलिक मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि कैटाबॉलिक जो हम देखें तहरीबी अमल होती है और एनाबॉलिक जो तामीरी अमल होता है। कैटाबॉलिक में हम देखें तो शख्सियत में तखमीरी अमल कह लें और एनाबॉलिक तामीरी, कि जो विटामिन या आप कह रहे हैं ग्लूकोज वगैरह, तो जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, वो एक तामीर करते हैं शख्सियत को, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो आ जाते हैं एनाबॉलिक में। और इसी के साथ रिजॉल्व जो होती है चीज़ वो कैटाबॉलिक के, मतलब इसके साथ बॉडी में हजम इंतजाम हो जाना खुराक का, तो वो कैटाबॉलिक कहलाते हैं। तो अगर हम एंजाइम की बात कीजिए तो एंजाइम अपने कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को तेज करता है। बॉडी में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शन हो रहे हैं एंजाइम उनको भी तेज करता है। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो एंजाइम हायर कलील मिकदार में दरकार होते हैं। और मसलन अगर हम देखें तो कलील मिकदार मतलब बहुत कम मिकदार में, सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल एक है अमाइलेज स्टोरेज पर अमल करता है। अमाइलेज क्या है, एक तरह का ग्लूकोज एसिड कह रहे हैं, जो किस पर अमल करता है, स्टोरेज की सूरत पर अमल करता है, और जिसके साथ फूड या फ्रूट्स वगैरह से बॉडी को एनर्जी हासिल होती है। इसके साथ साथ देखिए प्रोटीन और फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ हम प्रोटीन की बात करें और फैट्स की बात करें, एंजाइम इन दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये दोनों चीज़ों के लिए, फैट्स और प्रोटीन के लिए। और वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम अमल करता है, मतलब आप कह रहे हैं कोई भी, जैसे हम विटामिन देख लें या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह देख लें, जिस पर इन अशिया पर एंजाइम अगर असर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहलाते हैं। सबस्ट्रेट क्या कहलाती हैं, जिन एंजाइम पर, जिन अशिया पर एंजाइम का असर होता है, तो वो सबस्ट्रेट कहलाती हैं। इसके साथ साथ किसी भी एंजाइम की हम बात की जाए तो वो एक मखसूस शक्ल रखते हैं। तो अगर एंजाइम का मखसूस शक्ल में होना तो उसकी मखसूस शक्ल की बदौलत होता है, मतलब एंजाइम जिस शक्ल में मौजूद है तो वही उसकी मखसूस शक्ल कहलाती है। इसके साथ कुछ एंजाइम की हम बात की जाए तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए बाहर दूसरे कंपाउंड की भी जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बात की कि जैसे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में भी क्या होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस में एंजाइम का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ बात कीजिए कि एंजाइम में कैटाबॉलिक रिएक्शन में कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, तो दूसरे कंपाउंड्स का मिल जाना तो वो एंजाइम्स कहलाते हैं हमारे को एंजाइम कौन से कहलाते हैं, कि एंजाइम्स के साथ साथ कंपाउंड दूसरे कंपाउंड्स का मिल जाना जिसके तहत को एंजाइम सामने आती है और को एंजाइम कहलाते हैं। दूसरे कंपाउंड्स आपके कौन से हो सकते हैं, जैसे जिंदगी के लिए बहुत एंड क्लीन एलिमेंट्स आयरन ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे मिलकर हमारे को एंजाइम कहलाते हैं। इसके साथ साथ आज हम लोगों ने बात की थी कि एंजाइम पर एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम का अगर हम फर्दर बात करें तो एंजाइम जिंदगी में एंजाइम का क्या क्या किरदार है, इसका रोज़मर्रा जिंदगी में मुख्तसर कहने काम तो बहुत है, जिसके तहत आज हम चंद इसका जिक्र करेंगे। उसमें क्या है कि जिंदगी में एंजाइम का किरदार, जिंदगी में एंजाइम का किरदार अगर देखें, काफ़ी चीज़ों का हमें पता नहीं होता कि ये इसकी बदौलत है, इसके जरिए हमें ये मुहैया होता है, तो उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम केमिकल फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम फार्मासिस्ट देख लें चीज़ों में केमिकल रिएक्शन, जैसे मेडिसिन वगैरह में, उसकी इंडस्ट्री में ये अहम तरीन अहमियत का हामिल है और उसके लिए बहुत बेहद मुफीद साबित होता है। जैसे उसके लिए हेल्प आउट करता है, बनाने में मदद करता है कि वो कैसे तमीर की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे फार्मास्यूटिकल है, इसके साथ साथ अगर हम देखें
तो ये एक फार्मासिस्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये पनीर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। पनीर की तैयारी में कैसे, जैसे दूध दही ये चीज़ें हम पनीर बनाते हैं तो ये उसकी तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। एंजाइम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम खाना इस्तेमाल करते हैं खुराक में, तो पनीर की सूरत में हमें एंजाइम मिल सकता है। फूड प्रोसेसिंग की सनत में भी इसका काम बहुत अहम है। फूड प्रोसेसिंग के फूड का बनना, खाना और इसका सनत में इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा अहम शामिल है। इसके लास्ट अगर हम फूड की बात करें फलों की, तो उसमें है पपाया या मे बी एंजाइम पपाया जिसे कहें, तो उसके पौधों में ये हासिल किया जाता है कि मतलब पपाया या पपाया के जो पौधे होते हैं जिससे हम लोगों ने पपाया हासिल करना होता है, तो एंजाइम उनके पौधों में पहले मौजूद होता है जिसके तहत हम लोगों को वो एंजाइम मिल जाते हैं। और ये गोश्त पर नरम करने के काम आता है कि जो गोश्त होते हैं उसमें एंजाइम क्या किरदार अदा करता है कि गोश्त जो होता है वो नरम सॉफ्ट करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो आज जो बचे ये टॉपिक था हमारा एंजाइम, एंजाइम का ज़िंदगी में किरदार, एंजाइम होते क्या हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट आपका टॉपिक था एक तरह से कह लें, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ज़िंदगी में एंजाइम का क्या किरदार है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।